हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने बर्थ प्लेस मंडी, और अभी बस हम लोग टैक्सी में बैठे हैं और साथ में आप लोगों को आज मिलाती हूँ अपनी मम्मी से, और ये मेरी माता। चला माता ही नमस्ते बोली दिया सारे। नमस्ते। सो गाइस, आज आप लोगों को उसी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ की कौन है माता से कोई जीतती नहीं होनी, कंगना रनौत। कंगना रनौत भी मंडी दी है। सो गाइस, मैं मंडी जा रही हूँ लगभग 23 साल के बाद। कैन यू जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ पर हर साल जाती थी शादी से पहले, और शादी के बाद मैं सिर्फ एक ही बार जा पाई हूँ जब हमारी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद मैं एक बार भी जा ही नहीं पाई। तो यही मेन होता है गाइस, अभी केनिया में रहते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल है। सो यहाँ पे मेरी बहुत सारी जो मेमोरीज हैं वो जुड़ी हुई हैं, और मेरी जो नानी है वो अभी 92 के आसपास हो गई है और शी इज नॉट फीलिंग वेल। सो मुझ में बहुत सारी एक्साइटमेंट भी है उस प्लेस को दोबारा से देखने के लिए, और थोड़ी सी सैडनेस भी है कि नानी इतनी यंग थी और अभी इतनी ओल्ड हो गई है, इतनी बीमार हो गई है कि मतलब उनको थोड़ा गिर गई थी तो उनको थोड़ा चला फिरा नहीं जा रहा आजकल। अदरवाइज शी वॉज हेल्दी, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बीपी शुगर हेल्थ वाइज। यू नो, पुराने जमाने के जो लोग थे वो बहुत बढ़िया तरीके से खाना खाते थे, उनका खान पान जो था बहुत ही डिफरेंट था, सब चीजें ओरिजिनल ढूंढ के लानी पूरे बाजार में से। और गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी, यहाँ से मेरी बहुत सारी जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है, सारी मेमोरीज जो है ना ताजा हो रही है। मैं अपने डैडी के साथ हर बार हर छुट्टियों में मंडी आती थी, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। मेरी ताई का घर भी यहीं पे है और नानी का घर भी यहीं पे है, तो नान के और दाद के दोनों ही यहाँ पे है, और मैंने बहुत ही बचपन की सारी चीजें जो है ना यहाँ पे बहुत सारे जो मेरी मेमोरीज है वो जुड़ी हुई है। और ये बहुत ही सुंदर, मेरे दिल के बहुत ही पास में मेरा जो फेवरेट प्लेस है मंडी ही है, क्योंकि यहीं पे मेरा बर्थ प्लेस भी है और यहीं पे हमने सारी छुट्टियां काटी हैं। जब भी छुट्टियां होती थी तो हम लोग यहाँ आते थे नानी के घर में भी, फिर नानी के पास से हम लोग ताई के पास चले जाते थे। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। रोक दो भैया, यही रोक ये ना, बोले तो पहुंची। सो गाइज, आई कांट एक्सप्लेन वट आई फील लाइक टू सी हर आफ्टर सो लॉन्ग। माई नानी इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, पता है वो इतनी एक्टिव थी, हमेशा हम लोगों के लिए जैसे ही हम आते थे खाने पीने का ढेर लगा देती थी, और नाउ शी इज वीक और 92 ईयर्स की हो गई है, बट उनकी जो वार्मथ है वो अभी भी सेम थी। तो अभी उनके साथ खूब सारी बातें करने के बाद मैं बाहर का नजारा देख रही थी। गाइज, ये जो सामने है यहाँ पे जेल रोड है इसका नाम जगह का, और ये सामने जो पहाड़ी पड़ती है इसके बैक साइड पे ये तारना हिल है, वहीं पे मेरी ताई का घर है। तो नानी जी को मिलने के बाद मैं वहां पे मिलूंगी, और यहाँ पे हम लोग नाना नानी सब बैठ के, पंकज, हम लोग सब यहाँ पे बहुत इंजॉय करते थे बाहर बैठना रात को भी। और अभी देखिए नानी जी रेस्ट कर रही हैं, पर वो टाइम जो है ना कितनी जल्दी बदल जाता है। तो आज मेरी सारी जो पुरानी यादें हैं वो सारी ताजा हो गई है। A few moments later. So guys, उसके बाद मैं अपनी कजन नीरज दी के साथ अभी जा रही हूँ टारना अपनी ताई के घर, और दीदी भी यहीं पे रहती है हॉस्पिटल के पास, उन्हीं के पास मैं स्टे भी करने वाली हूँ। जैसे ही मैं जर्नी के लिए निकली थी उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास ही रुकना। सो गाइस, पूरी की पूरी मेमोरीज जो है ना वो ताजा होगी। और यहाँ पे इतना ये हिल है, हम नीचे से नहीं आए, नहीं तो बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है यार, और अभी हम लोग ऊपर से आए हैं तो हमें हिल में उतरनी पड़ रही थी। सो गाइस, उनका जो घर है वो एकदम हिल पे है, और हम लोग बहुत इंजॉय करते थे यार वो पहाड़ी चढ़ना भी हर बार जब आते थे छुट्टियों में। स्वानी, ये तेरे को चढ़ाई नहीं उतार रहे हैं, तभी अभी तू हाँ हाँ करने लगी, अभी वो चढ़ाई होती है सीढ़ियां तो पता लगता। पानी डालते पता बोल के हम पानी भर के सीढ़ियां को आते हैं।
ये है मेरी ताई का घर। गाइज अभी पहुंच चुकी हूँ ताई के घर और मेरी सच में यहाँ की यादें बहुत सारी हैं, क्योंकि जब भी मैं आती थी नानी के बजाय मैं ताई के घर में रहना ज्यादा पसंद करती थी बचपन में, क्योंकि यहाँ पे मेरी छोटी बबली दी, बड़ी दी और साथ में अन्नू भैया सब होते थे तो बहुत ही मजा आता था। और ताई के साथ भी एक इमोशनल कनेक्शन था, हर बार हम लोग डैडी के साथ यहीं पे आते थे रुकने के लिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पे हर छुट्टियों में आना। तो आज मेरी सच में बहुत ही मेमोरीज जो है वो सारी ताजा हो रही थी और इनके यहाँ इतनी सफाई रहती थी कि क्या ही बताऊं, हम लोगों को ही डर लगता था कि कुछ हम गंद तो नहीं डाल रहे। सो गाइस वो सारी यादें आज ताजा हो रही थी। और ताई थोड़ी अभी ताई जी की भी तबीयत अच्छी नहीं है, उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लो सोडियम की, तो बहुत अजीब लग रहा था उनको ऐसे देख के जो इतने एक्टिव थे हर वक्त, मतलब इतना ज्यादा एक्टिव लोग थे मेरी नानी भी और ताई भी, उनको ऐसे देखना बहुत ही अजीब लग रहा था मेरे लिए। बट दिस इज लाइफ, व्हाट टू डू। दरियादों का जादू, सपनों में बस तू ही तू, जिस दिल का रिश्ता है रूह तक भी भरा है। ख्यालों में खो जाए, हर पल तेरा साथ पाए, होठों पे मुस्कान जो आए, मन मेरा ये तुझको चाहे। तेरे बिना मैं अधूरा, हर लम्हा है यादों का दास्तां, प्यारे तू मेरी रानी साथ हो करे। ऐसा ही होता है, पर हमने पहली जो देखी है वो बीएसएल देखी, चाचा कर दी, उसके बाद पहली बार देखा था। इतने मतलब इतने ऐसा होता था, वो इतने बड़े होते थे लोग है ना, और वो खटारा बस चलती थी, पीआरपी बोलते थे, पीपा रोड वे पठानकोट, सही टाइम सारा याद आई अंदर। चाचा पता क्या बोलते थे, जैसे हम यहाँ खेल रहे होते थे, चाचा भी धर्मशाला से वहाँ से आना सुंदरनगर से, तो हम यहाँ खेल रहे होते थे नीचे, तो हमने देखा चाचा आया, फिर चाचा ने बोलना हाँ मैं आया, हम आते भी थे घर के लिए। जब अशोक चाचा आता था तो हम पीछे पीछे आ जाते थे, क्योंकि अशोक चाचा कुछ खाने को लाता था, कहते देखो तुम खेल रहे होते हो बच्चों, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तुम खेल रहे हो तो तुम एंजॉय कर रहे हो, अब वो डिस्टर्ब करता तुम बीच खेल से छोड़ के उसके पीछे आ जाते हो। तेरे बिन दुनिया सोने, आँखों में तेज़ाब है, तेरे सिवा कौन मेरा, जितना प्यार तुमसे है बस खुशबू का। अब गोली भी डाल दी, देखते कुछ चला के भी दिखाएंगे कैसे चलती है गोली। हाँ हाँ ले चले, नहीं किसको मारा तूने? ठीक है, बस होगी सेटिस्फेक्शन बंदूक चलाने की। ताई जी से मिलने के बाद, अपने कजन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद, हम लोग आगे बाजार में, और यहाँ पे मुझे दीदी ने लेके दिया एक सूट और मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मेरी चॉइस का था, उन्होंने बोला अपने आप चूज करने के लिए, और ये है पूरा मंडी का बाजार। सो गाइज ये टाइम जो था ना बहुत प्रीशियस मोमेंट थे, मेरे पास टाइम ही नहीं था यार, एक ही दिन का टाइम था, हम लोग नाइट स्टे करेंगे और अगले दिन निकलने वाले हैं, तो नाइट स्टे भी दीदी के घर पे ही करने वाले हैं। अभी इसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपनी मासी जी से मिलने के लिए, उनका घर भी यहीं पास में ही है, तो बहुत सारे रिलेटिव्स मेरे मंडी में ही रहते हैं, क्योंकि मेरे ननिहाल जो है मंडी में ही है, और इस साइड पे है भूतनाथ टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस है मंडी में, और इसी साइड पे हमने शॉपिंग भी की। तो गाइस इस साइड पे आप देख सकते हैं
यह है मंडी का फेमस भूतनाथ मंदिर, जहाँ पे सब माथा टेकने जरूर आते हैं। और मैं इतनी जल्दी जल्दी में थी कि माथा भी जो है वो बाहर से ही टेक पाई, अंदर पूरे दर्शन भी अच्छी तरह नहीं कर पाई। दैट वॉज सैड बट वट टू डू, बहुत ही जल्दी वाला ट्रिप था मेरा। और ये है मंडी की गलियां। मुबारक तो अंजो लगी है नौकरी। मैं भी मिंज तो लगे नहीं चांस, मेरे को लगा कोई पता ले आदि फोटो। The next day. तो गाइज ये है नीरज दी का घर। जब उनकी शादी हुई थी तो मुझे याद है मैं भी उनके साथ यहाँ पे आई थी। एक दिन जब आते हैं ना साथ में तो मैं आई थी। और आज देखिए कितना ब्यूटीफुल उन्होंने इसको अल्टर किया है, कितना मतलब पूरा सिटी है मंडी, बहुत क्राउडेड टाउन है, वहां पे इनका घर है और पूरा लॉन जो मेंटेन किया है दैट वॉज ऑसम। सो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डनिंग लगी उन्होंने जो की थी और मेंटेन किया था गार्डन। होठों पे मुस्कान जो आए, मन मेरा ये तुझको चाहे, तेरे बिना मैं। गाइज आफ्टर मैरिज अवर फोकस शिफ्ट टू अवर न्यू फैमिली, वी स्पेंड सो मच टाइम एंड एनर्जी बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप, जबकि हमारे जो पुराने जो रिश्ते हैं दैट इज सैड कि वो धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते हैं, लाइक अवर पेरेंट्स अवर ग्रैंड पेरेंट्स दैट बिकम डिस्टेंट। सो ये ट्रिप जो था मुझे रियलाइज करा रहा था कि वी नीड टू मेक टाइम फॉर द पीपल हु रेज्ड अस, जिनके साथ हमारे अनकंडीशनल लव है और जो रिश्ते जो हैं हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो भी मेंटेन रखने चाहिए। लाइफ इज शॉर्ट एंड वी डोंट ऑलवेज गेट द चांस टू से दैट वट वी फील अबाउट। सो गाइज हमें मिलते रहना चाहिए अपने रिश्तों से जहाँ पे भी हमें टाइम मिले। टाइम किसी के पास नहीं होता है, बट हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी चाहिए जिंदगी में। कि आप खुद जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं अपनी नानी से, अपने ननिहाल, अपने बर्थ प्लेस, अपनों से मिलने इतने टाइम के बाद, 23 years के बाद, शादी के बाद कभी मिल ही नहीं पाई। सो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम था, मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हुआ कि, और वो भी मैं एक ही दिन के लिए आ पाई थी। बट एटलीस्ट अभी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा कि मैं अपनी नानी से नहीं मिल पाई, तो इसलिए मेरे लिए ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इसीलिए था। अधूरा हर लम्हा याद का दास्तां, प्यारी तू मेरी रानी, साथ हो कर पूरी अरमां, तेरे बिन ये दुनिया सुनी, आंखों में तेजाब है, तेरे सिवा कौन मेरा, जितना प्यार तुमसे है, बस खुशबू का एहसास है। चलना तू हाथों में हाथ, तेरी सांस है मेरी जीने की बात, धड़कन से रिश्ता जुदाना हो, जिंदगी है तू मेरा खुदा हो। आप लोगों की थोड़ी सी वीडियो ले लेती, याद रहेगी। दीदी लगे रहो लगे रहो, हाँ फोटो नहीं खींच रही मैं अभी, कैसे थोड़ी सी वीडियो ले रही हूँ। सॉरी मैं भी मैं बैठती हूँ, आप लेना थोड़ी तो याद तो रही, मैं वीडियो में डाल दूँ। मैं बंशी का करने तैयार हुई थी भी आगे छोड़ने में, क्या नंदी जी 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 क्या नहीं मेरे को समझ आती है मलयाली अच्छी तरह से, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं हिमाचल की भी नहीं बोलता, शिमला की भी, मैं हिंदी हिंदी बस, अलग है थोड़ी, अलग है। तो कोई नहीं बोलता।
और बसंतपुर साइड की थोड़ी, मामा जी कभी कभी बोलते हैं ऐसा क्या। नहीं मंडियाली तो नहीं है, हाँ एक्सेंट बहुत चेंज है, मंडियाली मंडियाली। हाँ वीडियो बना रही, हाँ फोटो वीडियो दोनों सही आई है ना। तो गाइस दीदी के साथ रह के बहुत ही बढ़िया लगा और इतनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी और बहुत ही ऑसम था। दीदी ने जो खाना खिलाया, मतलब मैंने पूरे इंडिया ट्रिप में सबसे टेस्टी खाना जो है ना वो दीदी के घर पे ही खाया, और जो फील एज अ होम जो था ना वो दीदी के घर पे ही फील हुआ मुझे बहुत ही ज्यादा। मतलब पुरानी यादें भी ताजा हुई और बहुत ही कम्फर्टेबल जो लगता है ना आपको अपनों के साथ रह के ही लगता है इंडिया में जब भी आए। तो गाइस बहुत ही बढ़िया टाइम जो था मैंने नीरज दीदी के साथ स्पेंड किया उनके घर। बेबी आना हूँ ले, बेबी बेबी, आज सिर्फ क्या नाम था? स्वानी, 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 ये, देव, पता नहीं जी आए होंगे कि ये चल रही है, ये वीडियो बन रही बस, वीडियो है अपने आप आता, ये तो गौरा, मम्मी को फोन ही करना पड़ेगा नहीं तो मम्मी वहीं बैठी रहेगी। आगे 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 चलो चलो फिर तो नानी की स्वानी खुद ही ले लेगी नानी से। इधर नानी बुला रहे इधर को, हाँ मैं चल रही है वीडियो। चलो 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 बैठो 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 तीनों का रोज ही करते। हाँ जी हाँ जी आ रहा है, इधर देखो मम्मी मम्मी इधर देखो इधर, हाँ जी चार जनरेशन इधर उसे उधर घुमा सकते तो वीडियो ही है ना। वीडियो है हाँ मम्मी आपके आपके मम्मी है। हाँ माता पिता लगता कितने कितना देने। ठीक है बेटा माँ बाप का भी रखना ध्यान। चलो ठीक है नानी जी पकड़े यादों का जादू सपनों में बस तू ही तू जिस दिल का रिश्ता है रूह तक भी भरा है। तो गाइज ये है मेरी नानी का घर, ये आपको देख रही होगी नीचे दो शॉप्स हैं, ऊपर ये तीन चार मंजिली घर और आगे ये आम का पेड़ है। मम्मी वहाँ सीढ़ियाँ उतर रही हैं तो साइड से ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने उतरने के लिए। सो हिमाचल में घर जो है वो इसी तरह से बने होते हैं और मंडी बहुत ही ब्यूटीफुल है जो मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये पेड़ देखिए आम का इतना बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा जैसा पेड़ हुआ करता था। सो गाइज अभी टाइम आ गया निकलने का और मामा जी ने मुझे यहाँ पे मिलती हैं कचौरियाँ जो कि बहुत फेमस हैं, वो भी पैक करके कली लेके
ला के रख दी थी, तो वो कचौरियां भी पैक कर दी थी, 10 कचौरियां पैक करके दी थी। सो ननिहाल में आओ ना, तो पहले नानी भी हमें बहुत कुछ देती थी, नानी ने मुझे साथ में ये गिफ्ट भी दिया था। सबको मतलब इतना कुछ देती है ना नानी, वो सारी मेमोरीज ताजा हो जाती हैं। हम लोग जब आते थे तो नानी घी का डब्बा भी देती थी, कचौरियां देती थी और बहुत सारी खाने की चीजें हमें पैक करके देती थी। अभी मैं निकल रही हूँ वापिस गाइस, तो यही मेन है कि अभी यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। विदा लेना सच में मुश्किल होता है, जहाँ पे खासकर जब तब आपको पता नहीं होता कि आप दोबारा कब आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं थैंक करती हूँ गॉड को कि इस बार मेरा मुझे मौका मिला कि मैं अपनी ताई जी से, अपनी नानी से मिल सकी। चाहे ज़िंदगी में हम कितनी भी दूर चले जाएँ सब, पर फिर भी हमारे लिए फैमिली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। सपनों में बस तू ही तू, जिस दिल का रिश्ता है रूह तक भी भरा है। तेरे ख्यालों में खो जा। सो गाइज अभी हम रास्ते में जा रहे थे सुंदरनगर, सुंदरनगर में इनकी मासी जी हैं, तो इनके मासी जी के वहां पे लंच करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। सो बहुत ही बढ़िया इस बार छुट्टियां थी कि हमें सबसे मिलने का मौका मिला। उनके घर भी मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ एक्चुअली। सो गाइज उनके मिलने के बाद फिर आगे निकलने वाले हैं हम लोग चंडीगढ़ के लिए। तेरे सिवा कौन मेरा, जितना प्यार तुमसे है बस खुशबू का एहसास है। तेरे ख्यालों में खो जाए हर पल तेरे। सो गाइस चंडीगढ़ से मंडी तक का ये जो रास्ता है हाईवे, बहुत ही बढ़िया बन गया इस रास्ते पे। मतलब हाईवे है तो इतना बढ़िया रास्ता है कि आप फट पता ही नहीं लगता कब पहुंच जाते हो। नहीं तो पहाड़ों में जो रास्ते है, मंडी का रास्ता ट्रैवलिंग मुझे सबसे ज्यादा हार्ड लगती थी, क्योंकि सब मोड़ ही थे, टर्निंग मोड़ थे बहुत ज्यादा, बट ये स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ता था। सो जर्नी भी बहुत अच्छी रही और आई होप दिस ब्लॉग रिमाइंड्स यू टू चेरिश योर लव्ड वन। And guys, make time for the people who matters, no matter where life takes you. And don't forget to like, share and subscribe. Until next time, take care and stay connected with your roots. So thank you so much for watching. Milte hain next time, next blog mein.